एक बड़ी वारदात वापरी है जिथे जमीन पिछे एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नू बेरहमी नाल मार दिता गया है, जिसकी पत्नी का उसके रिश्तेदारों के नाल जमीनी विवाद चल रहा है। अक्सर ही रिश्तेदारों नाल झगड़ा हुंदा रहिंदा सी ते फिर जमीन नू लैके कोर्ट दे विच केस भी गया, जिसकी सुनवाई भी हुई। कोर्ट विच अजे केस चल रहा सी, पर इसे विचाले एक दोवें धिरां एक दूजे नू मारन ते उतारू हो गईआं ते जमीन ते कब्जा करन दी कोशिश करन लगियां। जो एक धिर दे वल्लों जमीन ते खेती कीती गई तां दूजी धिर ने फसल कट्टण तों मना कर दिता। इसे नू लैके इह सारा विवाद शुरू हो गया। फिर जो रिटायर्ड सब इंस्पैक्टर अपनी पत्नी दे नाल कई होर पिंड दे बंदियां नू लैके रिश्तेदारां दे घर पहुंचिया, नाल इन्हां दे हथियार भी सन। हालांकि एक कब्जा लैन गए सन, पर उत्थे दूजी धिर दे वल्लों इन्हां दे उत्ते हमला कर दिता जांदा है, जिस दौरान रिटायर्ड सब इंस्पैक्टर ओम प्रकाश नू भी सट्टां लगदियां ने। बुरी तरह दे नाल उसकी कुटमार की जाती है, फायरिंग भी होंदी है। इस दौरान कई लोग जख्मी हो जाते हैं। तीस रिटायर्ड सब इंस्पैक्टर ओम प्रकाश जिसनों हस्पताल ले जाया जाता तो उत्थे डॉक्टर उसनों मृत ऐलान देंगे ने। रिश्तेदारों के वलों ही इतने रिटायर्ड सब इंस्पैक्टर कुट कुट के मौत के घाट उतार दिता गया है। पत्नी तो उसके बाकी साथी भी बुरी तरह जख्मी ने, जो हस्पताल जेरे इलाज ने। यह सारा मामला 34 कनाल 11 मरले की जमीन का है, जिथे दो भैणों का आपसी रिश्तेदारों के नाल विवाद चल रहा है, जिन्हों में एक इस रिटायर्ड सब इंस्पैक्टर की पत्नी सी। जदों भी इन्होंने अपनी जमीन का कब्जा मंगया तो हमेशा लड़ाई हुई, पर हुणे लड़ाई इन्नी वध गई कि इत्थे रिटायर्ड सब इंस्पैक्टर ने भी ठान लिया कि वह कब्जा लैके रहेगा ते पत्नी दे नाल पिंड दे बंदियां नू इकट्ठा करके रिश्तेदारां दे घर पहुंच गए। पर उत्थे जाके उल्टा ही होया, रिश्तेदारां दे वल्लों ही इत्थे रिटायर्ड सब इंस्पैक्टर ओम प्रकाश की बुरी तरह कुटमार की गई ते कुट कुट के उसनू मौत दे घाट उतार दिता। पत्नी ते बाकी सारे साथी भी बुरी तरह जख्मी हुए ने। फिलहाल पुलिस दे वल्लों मामला दर्ज कर लिया गया है ते कार्रवाई की गल आखी जा रही है। यह दस दिए कि मामला टोहाणा दे पिंड पिरथला दा दस्या जा रहा है, जिथे जमीनी विवाद दे करके एक रिटायर्ड सब इंस्पैक्टर नू ही मार दिता गया है। फिलहाल पुलिस ने लाश नू कब्जे च लै लिया ते अग्गे दी कार्रवाई की जा रही है। ये जी कई साल गए, मुस्कत खाते की जमीन थी जी। ये चार भाई थे, पतराम, मल्लू, जोरा और ये मनफूल जी जी। तो चारों ही मुस्कत खाते की जमीन थी, ये चारों आपसे बजे कर दी, कोई झगड़ा नहीं था जी। बाद में ये एक मनफूल का लड़का, ये मनफूल के तीन लड़के थे जी। एक लड़का गुजरने के बाद में जो मनफूल का बटे हुए जो प्रकाश सरसे वाला आना आपकी साड़ियाँ की और अभी से आपके साड़ी जमीन आपके नाम करवा ली। कराने के बाद में बस जमीन खाली पड़ी है, सामू भी दरखत खड़े है, भैया जमीन तू तेरी जहाँ जमीन बीजे भी थी बीज दो। राजेंद्र जो है तेरा वो लड़का, वो कहने लगे भाई जो अपनी जमीन में मुस्कत करते हैं, कौन डाणी बना ली, कोई किसी बीजे है तो आप बीजा भी तकसीम करवा लियो। ओम प्रकाश आऊँ खर्चो ले गयो और ले जाकर आऊँ 420 हूँ आपका नाम है, ये 2.5 किलो जमीन करवा ली। बाद में एक पंचायत इन पंचायत कहने लगे भाई जो यहाँ तो 70 साल ही बीज दी, जब हमारे 60 साल की हमारी उम्र होगी इन हिसाब कहने लगे भाई तुम यह जमीन जो बेलो बीजे भी तकसीम कर लो। ये ओम प्रकाश नहीं मान्या, यह बोले मैं तो यह जमीन सड़कें दो लूँगा। यह लेके कोर्ट में केस हो गया, सटे आएगी वो कई बार पंचायत होगी, ओम प्रकाश नहीं मान रहा था। आज ये 50-60 आदमी लिया डंडे ले और यहाँ ला करके जमीन बांट ला गया। जब आगे लड़की यहाँ घरे बढ़ गए, छोरी आगे भगवान थप्पड़ मारे कि तलवार लगी और बाद में फिर गांव आया नहीं। जब फिर छोटम छोट हो गए, ये भाज गए, दो गोली भी चलाई सरदारों ने। ये सुनना भी है भाई 3 लाख रुपए में ठेका करे ओम प्रकाश ने, भाई ये जीरी लगवा दो और जमीन भिजा दो और ये तंबू भी लाया था साथ में, ये झगड़ा है। तो क्या ओम प्रकाश की मौत हो गई? भाई सुनना भाई अपन तो यहाँ सही सलामत चढ़े था, ओम प्रकाश और ओम प्रकाश की बहुत सही सलामत चढ़े थे। तो ओम प्रकाश कौन है और कब्जा क्यों लेना चाहता है? ओम प्रकाश की उरे ये ब्यावड़ है। ओम प्रकाश ये आपकी साड़ी लगे साड़ा ही जमीन है, या फरी का धन नहीं उसे देख रहे। परिवार का ठेक चार भाई है भाई, आपस बीजा नहीं भाई तकसीम कराओ, ये ओम प्रकाश नहीं मान रहा था और सारे सहमत थे। आज ये कब्जा लेने के लिए आए थे? हाँ कब्जा लेने के लिए, या गाड़ियाँ खड़ी हाँ और हथियार फड़े भी लेते, आप गोली भी चाली है, पिस्तौल भी थे इनके पास। अच्छा, यानी कि साथ बंदे लेके आए? हाँ 50-60 आदमी थे। और जमीनी विवाद के अंदर जो है ना, ये कोई पार्टी जिसकी सरसा रहता है
वो कोई जमीन के ऊपर अपनी बाड़े वगैरह के लिए है, इस बारे में विवाद हुआ है, अभी हम जांच कर रहे हैं, अभी कोई बयान हासिल नहीं हुआ है, जैसे ही कोई बयान हासिल होगा उसी अनुसार कार्रवाई हम करेंगे। देखिए अभी हमारे पास डॉक्टर ने कोई रुका वो नहीं दिया है कि उसमें कितने MLR हैं, कितने घायल हैं, क्या एक की मृत्यु भी हुई है सर। देखिए अभी कोई जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकता, हम इस बारे में अभी तक कोई स्टेटमेंट देने के नहीं है, हम मौजूद हैं मौका पर भी और यहाँ भी। ये पिथला और गाँव का ये दोपहर के आसपास 2-3 बजे के आसपास प्राथमिक जांच में क्या सामने आया सर? दोनों ही देखिए जमीनी विवाद है, फ्री फाइटिंग इनकी हुई है जमीनी विवाद के अंदर, जो भी है जी गोली वगैरह भी। देखिए पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जो भी हुआ है जांच के बाद आपको सारी चीजें बताएंगे।